कार्लाइल केस में मार्केट रेगुलेटर सेबी ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को दूसरी चिट्ठी भेजी है। इसमें पूछा गया है कि कंपनी ने सभी शेयर होल्डर्स को बराबर मौका क्यों नहीं दिया। इस बीच सैट में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने दलील दी है कि प्रेफरेंशियल इशू कंपनीज एक्ट के दायरे में आता है, ना कि सेबी के दायरे में। इस बारे में थोड़ा डिटेल से हम बात करेंगे और ये खबर लेकर जी मीडिया संवाददाता ब्रजेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, पहले तो यही बता दीजिए कि जो आज की सुनवाई है, क्या क्या नए तथ्य, क्या क्या नए फैक्ट सामने आए हैं? बिल्कुल, जो सबसे नई बात सामने आई वो ये कि सेबी ने एक 18 जून को चिट्ठी लिखी थी, उसके बाद 25 जून को एक और नई चिट्ठी लिखी, और 25 जून को जो चिट्ठी लिखी उसमें साफ तौर पर जो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का बोर्ड है उसको एक कड़ा लेटरियल था, और ये जिस लेटर में ये कहा गया था कि आखिर वैल्यूएशन के तरीके को और वैल्यूएशन के हिस्से को और साथ ही किस तरह से ये डील जो है अप्रूव हो गई, जिसमें सारे शेयर होल्डर्स के लिए बराबरी का मौका क्यों नहीं देखा गया, तो ये एक अहम बात जो है उठाई गई और उनसे जो है 3 जुलाई तक जवाब मांगा गया था, जो कि आ चुका होगा, और अब कल जो है सेबी इस मामले में अपना आगे और पक्ष रखेगी। तो ये सबसे जो है थी वो अहम बात थी। इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को भी खास तौर पर कहा गया कि वो अपना रोल ठीक से क्यों नहीं निभा रहे हैं और किस तरह से उन्होंने इस डील को आगे अप्रूव किया। ओके, ब्रजेश जी, अगर आप ये भी बता सकें कि अब और कौन सी कंपनियों पर इसके असर पड़ने की आशंका है? बिल्कुल, आज के अगर आर्गुमेंट को देखें तो आज का जो आर्गुमेंट था वो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का वो ये था कि ये जो मामला है पूरा ये ICDR रेगुलेशन से ज़्यादा अहमियत इसमें, ये जो प्रेफरेंशियल इशू है ये कंपनीज एक्ट का मामला है, और जो ICDR रेगुलेशन है जिसके तहत सेबी दखल दे रहा है इसमें सिर्फ प्राइसिंग देखी जाती है, ना कि कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के मामले में सेबी को दखल करना चाहिए। तो एक अहम बात ये रखी गई पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की ओर से। दूसरी अहम बात जो रखी गई पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की ओर से कि ये अकेली कंपनी नहीं है जो ऐसा कर रही है, बल्कि ये कहा गया कि LIC हाउसिंग फाइनेंस भी ऐसा ही प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट अपनी प्रमोटर LIC को कर रही है, और वहां भी जो कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसको इस तरह से फॉलो नहीं किया जा रहा है जैसा कि सेबी चाह रहा है। हमें सोर्सेज जो बता रहे हैं उसके हिसाब से बारबेक्यू नेशन नाम की जो कंपनी है, रेस्टोरेंट चेन चलाती है, उसके मामले में भी ऐसी ही स्थिति है, और इन दोनों ही कंपनियों की 19 जुलाई को EGM रखी गई है जहां से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलनी बाकी है। और हमें जैसा कि पता चल पा रहा है सोर्सेज के थ्रू कि एक्सचेंजेस की ओर से इन दोनों ही कंपनियों को पूछा गया कि आखिर उन्होंने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के तहत जो तरीका होना चाहिए था वो फॉलो क्यों नहीं किया। चलिए, तो ये जो नई सुनवाई है इसमें कुछ नए फैक्ट सामने आए और दूसरी और भी कंपनियां हैं जिनके लिए अब कुछ मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शुक्रिया ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इस केस के बारे में डिटेल्स देने के लिए।